एक रूप। अंजना का रक्त बहना बंद हो गया। रक्त बहना बंद नहीं हुआ है मूर्ख, अब इसका रक्त पिशाच पी रहे हैं। हम सदा ही रक्त के प्यासे रहते हैं, अब मैं भी इसका रक्त पीऊंगी।
पिशाच राज, अब तुम्हें मेरी कोप से कोई नहीं बचा सकता। यज्ञ संपन्न हुआ। अग्निदेव को प्रणाम करके यज्ञदेव का आशीर्वाद है। इधर यज्ञ संपन्न होने से प्रभु राम का युवराज पद निष्कंटक हो गया। उधर भगवान पिशाच वीर बनने जा रहे हैं। महाबलशाली धीरवान महावीरम महादिव्य रूपम अतिविकट महास्वरूपम गदाधर महाबल सुधीरम जय 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 हनुमत पिशाच मोचनम। हेम शैलाभुदेहम मनोहरम तुम भूत पिशाचों के पावन स्वामी हनुमान। मुक्ति प्रदाता ज्ञान गुण दाता शक्ति निधानम जय 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 हनुमत पिशाच मोचनम। केसरी, ये सारे पिशाच अर्जुन का और तुम्हारे इस प्रजा का तहू पी लेंगे। तब तुम्हारे उस दुष्ट पुत्र को ज्ञात होगा कि हम पिशाचों के कार्य में हस्तक्षेप करने का अर्थ क्या होता है। बुलाओ अपने उस पुत्र को, वो स्वयं देख लेगा कि पिशाचों से शत्रुता करने का अर्थ क्या होता है। क्षमा क्षमा कर दो हनुमान। विनाश के लिए तुमने ये सब किया और आज अपने अंत को देखकर तुम उन्हीं का नाम ले रहे हो। तुम जैसे पापियों के हृदय में प्रभु राम का नाम नहीं हो सकता। क्यों गए? प्रभु, आपके नाम ने मुझे रोक लिया है, अन्यथा आपको कष्ट पहुंचाने के दंड के स्वरूप अब तक इसका अंत हो गया होता। छोड़ दो हनुमान, मुझसे भूल हुई जो मैं लंकेश रावण की बातों में आकर ये सब कर बैठा। मेरा नाम लेने के कारण हनुमान ने तुम्हें जीवन दान दिया है, तो अब से तुम्हें भी वचन देना होगा पिशाचराज कि अब से जो भी महावीर हनुमान का नाम लेगा उसके निकट कोई भूत पिशाच नहीं आएगा और ना ही उसे कोई कष्ट देगा। मैं वचन देता हूँ प्रभु,
अब से महावीर हनुमान का नाम लेने वालों को कभी भी भूत पिशाच की बाधा नहीं सताएगी। मैं ही नहीं, पूरा पिशाच कुल मेरे इस वचन का पालन करेगा। अब आपका नाम लेने वाले, आपकी पूजा करने वाले, आपका स्मरण करने वाले किसी भी प्राणी के आसपास भी नहीं जाएंगे भूत और पिशाच। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर का जब नाम सुना दे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर का जब नाम सुना दे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर का जब नाम सुना दे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर का जब नाम सुना दे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। हनुमान का नाम लेते ही पिशाच कहाँ चले गए? पिशाचों के प्रभाव में हो। यदि तुम हनुमान का नाम लोगे तो तुम्हारे ऊपर से पिशाचों का प्रभाव हट जाएगा। हनुमान का नाम लो। हनुमान जो करता हनुमत का ध्यान, उस पर कृपा करे प्रभु राम। तीन लोक का करते मंगल, हनुमत हरते कष्ट सकल। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। महावीर जब नाम सुनावे, भूत पिशाच। मेरे प्रिय अयोध्या वासियों, आज निहर्ति यज्ञ सफलतापूर्वक संपन्न होने में सबसे अधिक योगदान केसरी नंदन हनुमान का। यह हनुमान का बड़प्पन कि अपने राज्य सुमेरु पर संकट होने के पश्चात भी वो अयोध्या की सुरक्षा करने के लिए शीघ्र लौट आए। मैं एवं समस्त अयोध्या नगरी हनुमान की आभारी। महाराज, इस निरिति यज्ञ की सफलता से ही मेरे प्रभु राम जी का युवराज बनना जुड़ा हुआ था। और वैसे भी मुझे देवर्षि नारद ने सीख दी थी कि किसी भी समस्या से पूर्णतः पार पाना है तो उस समस्या के मूल को ही समाप्त कर दो। इसीलिए मैंने पिशाच राज को अपना लक्ष्य बनाया और आप सबको उन पिशाचों के आतंक से मुक्ति मिल गई।
बड़ा महाराज, महाराज आसपास के राज्यों से सूचना प्राप्त हुई है कि उन्हें पिशाचों के आतंक से मुक्ति मिल गई है और सुमेरु से भी यही सूचना प्राप्त हुई है। तुम्हारे सूझबूझ के कारण अनेक राज्य पिशाचों के संकट से मुक्त हो गए। ये वानर है बड़ा चतुर, इसी के कारण मेरी किए कराए पर पानी फिर गया है। हनुमान, तुम्हारा बुद्धि चातुर्य और पराक्रम के साथ साथ संस्कार भी प्रशंसनीय है जो तुम्हारी माता ने तुम्हें दिया है। ये शाश्वत सत्य है कि यदि जगत में एक माँ चाहे तो अच्छे संस्कार दे करके अपने पुत्र को हनुमान बना सकती है। सत्य वचन गुरुदेव, हर संतान की माता ही प्रथम गुरु होती है। राजन, यज्ञ की सफलता के साथ ही अब राजकुमार राम के युवराज पद का मार्ग भी प्रशस्त हो गया है। मेरी गणना के अनुसार युवराज पद के अभिषेक के लिए कल की तिथि सर्वथा उपयुक्त है। राम भले ही हो जाए तुम्हारा अभिषेक, किंतु मैं चुप नहीं बैठूंगी। मंत्री जी। जी महाराज। पूर्ण भव्यता एवं वैभव के साथ इस अभिषेक समारोह का आयोजन होगा। संपूर्ण नगर में प्रजा के लिए घोषणा करा दीजिए कि उनके प्रिय राजकुमार राम का अभिषेक है। मंत्री जी, आप समस्त मंत्रिमंडल के साथ इस समारोह की व्यवस्था प्रारंभ कर दीजिए। अवश्य महाराज। राम भैया युवराज बनेंगे और मैं बनूंगा इनका प्रधान अंगरक्षक। मैं भैया पर कभी भी कोई संकट नहीं आने दूंगा और मैं राम भैया का प्रधान सचिव बनूंगा। प्रभु राम का सेवक है और सेवक तो राम काज के लिए सदैव प्रस्तुत रहेगा। और भरत भैया आप क्या बनोगे? राजा की कीर्ति चारों ओर विस्तारित करने में राज्य की सुधीर सेना और सेनापति का योगदान प्रमुख होता है। यदि भैया मुझे योग्य समझें, तो मैं भैया का सेनापति बनना चाहूँगा। भरत, लखन, शत्रुघ्न, तुम सब मेरे जीवन दीप की ज्योति हो।
मेरा जीवन चढ़ेली आलोकित रहेगा। क्षमा करें लंकेश, वो बालक ऐसी छोटी सी चिंगारी है जो प्रेम करे तो ज्योति बनकर सबका मार्ग आलोकित कर दे और बड़ा कुटे तो सबको जलाकर भस्म कर दे। उसकी प्रशंसा मेरे सामने मत करो। लंकेश, नेत्र बंद कर लेने से अंधकार नहीं हो जाता, सत्य को पहचानिए। उस वानर बालक और उसके प्रभु से वैर करके आप अपना ही अहित कर लेंगे। आपका कल्याण इसी में है कि आप उस वानर के प्रभु की शरण में जाकर क्षमा मांग लो। ये रावण के शब्द कोश में ही नहीं है। ना हम क्षमा मांगते हैं, ना हम क्षमा करते हैं। लंकेश, पिशाच राज हूं मैं। मुझे अपना दास समझने की भूल मत करना। स्वामी, ये क्या कर रहे हैं आप? लंकेश, अभी भी समय है। अहंकार का आवरण हटा दीजिए अपने नेत्रों से, अन्यथा आपका अहंकार आपको अंधकार में धकेल देगा एक दिन। पिशाच राज! शांत स्वामी, शांत। मंगोदे, तुम्हारे कारण पिशाच राज मेरे हाथों से मुक्त हो गया। नहीं स्वामी, मैं आपकी अर्धांगिनी और आपके विरुद्ध मैं कोई भी कार्य कभी नहीं करूंगी। अपने हर कार्य में मैं आपके हित को सर्वोत्तम स्थान पर रखती हूँ और रखती आऊंगी, भले ही आपको वो दिखाई ना दे। स्वामी, आप महान शिव भक्त हैं, किंतु दुष्कर्म महानता और पुण्य को नष्ट करने केवल सत्कर्म ही एक भक्त को उत्थान के चरम तक पहुंचाता है। मेरी मानिए स्वामी, आप देवताओं से वैर छोड़ दीजिए और मंद बुद्धि स्त्री। स्त्री हो या अनुचर, सेवक हो या सहायक, पुत्र हो या प्रजा, मंत्री हो या मित्र, उनके उचित परामर्श की अवहेलना करना और सही परामर्श पर उनका आभारी होने के स्थान पर अपमानित करने वाले जीवन में कभी भी पूर्णता और शांति प्राप्त नहीं करते।
स्त्री तो आधा जीवन होती है प्रिय, अर्धांगिनी होती है। यदि किसी व्यक्ति का आधा अंग उपेक्षित और अपमानित हो जाए तो वो सबसे बड़ा अभागा है। हनुमान, तुम्हें ही तो मेरी जीवन दीप की ज्योति को आंधियों से बचाना है। प्रभु के काज संवारते हैं जो अंजनी लल्ला मारुति है वो, कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। बल में करते युग के कार्य, मंगल मूर्ति का दार्य, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। राजन, इन चारों भाइयों का आगाध प्रेम और हनुमान का सेवा भाव अनुपम है। प्रतीत होता है कि आप चार पुत्रों के नहीं, पांच पुत्रों के पिता हैं। उचित कहा गुरुदेव आपने, मुझे भी यही प्रतीत होता है कि हनुमान मेरा पुत्र है। हनुमान राम से अभिन्न है। संकट मोचन महाबली हनुमान की जय। राम राम राम। जिस प्रकार कोटि कोटि योजन दूर रहकर भी सूर्य हमें जीवन के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं, उसी प्रकार आज महाबली हनुमान ने अपने नाम के प्रताप से दूर रहकर भी हम सबके संकट को हर लिया है। पिशाच मोचन महाबली हनुमान की जय। ऐसे प्रतापी युवराज को पाकर हम सुमेरु वासी धन्य हो गए महाराज। सुमेरु नगरी उनके बिना सूनी सूनी सी लगती है। महाराज, मित्र हनुमान के बिना हमारी क्रीड़ाएं बंद हो गई हैं। महाराज, मित्र हनुमान जहाँ भी हो भले एक दिन के लिए कृपया उन्हें बुला लीजिए। हाँ महाराज, हमें उनसे मिलने की बड़ी इच्छा हो रही है। उन्हें वापस लाइए। हाँ महाराज, उन्हें वापस बुला लीजिए। सुना तो हमारा जीवन भी हो गया है हनुमान के बिना। पिता हूं किंतु रुदन मेरा हृदय भी करता है, परंतु विवश नियति के समक्ष पता नहीं हनुमान कब लौटेगा, लौटेगा भी या नहीं। क्षमा कीजिए महाराज, हम जानते हैं हमारे दुख से बड़ा तो आपका और महारानी जी का दुख है। महाराज, उनके शीघ्र लौट आने के लिए हम भगवान से प्रार्थना करेंगे। हनुमान मेरे लाल, स्मरण कर लिया करूंगा मां। हनुमान मेरे लाल,
कहां हो तुम पुत्र, जहां भी हो सुख से रह। अपनी माँ को स्मरण करना अवश्य, किंतु स्मरण कर कर दुखी मत हो। चंद्रदेव, एकमात्र आप ही हैं जिनके दर्शन मैं और मेरा पुत्र दूर रहकर भी एक साथ कर सकते हैं। न जाने मेरा पुत्र कहाँ हो, वो जहां भी हो सकुशल हो प्रभु। मेरे पुत्र तक मेरा संदेश पहुंचाइए प्रभु, न जाने कैसा होगा, मुझे स्मरण भी करता होगा या नहीं। देवी अंजना, हनुमान भी आपको स्मरण करते हैं। दुखी मत होइए, मैं यहाँ कुशल हूँ। निरिधि यज्ञ पूर्ण हो चुका है और कल प्रभु का अभिषेक है। माँ आप यहाँ होती तो बहुत आनंद आता, किंतु यहाँ माता कौशल्या, माता केकई, माता सुमित्रा आपकी ही भांति मुझे स्नेह देती है माँ, किंतु बहुत दिन हो गए आपके हाथ के लड्डू नहीं खाए माँ। मुझे भी द्रवित कर रही है। माँ, माँ आप मुझे चंद्रमा में दिख रही हैं। दुखी मत होइए, मैं यहाँ कुशल हूँ। माँ हनुमान तेरे लाल, तुम्हारे अश्रु देखकर हनुमान भी दुखी हो जाएगा। चंद्रदेव से प्रार्थना करो कि हमारा पुत्र हनुमान जहां भी हो सकुशल हो। हमारा पुत्र जहाँ भी हो सकुशल।
माँ के आंचल से बड़ी कोई सुरक्षा नहीं होती है पुत्र के लिए। कितनी भी शक्तियाँ हो हनुमान, परंतु है तो वो अल्पायु बालक, और कितना त्याग करना पड़ेगा हनुमान को देवों के कार्य के लिए। स्वामी, हनुमान कब तक अपनी माँ के बिना रहेगा? क्या वो सदा के लिए दूर हो जाएगा अपनी माँ से? क्या आवश्यकता थी? आप सूचित कर देते तो मैं प्रस्तुत हो जाता। अपनी पीड़ा छुपा रहे हो हनुमान। वो देखो हनुमान, ऋतु परिवर्तन हो रहा है। हाँ प्रभु, शीत ऋतु समाप्त हो रही है और वसंत का स्वागत करने के लिए प्रकृति श्रृंगार कर रही है। अर्थात प्रकृति को जाने वाली शीत ऋतु का दुख नहीं है, आने वाली वसंत की प्रसन्नता है, क्योंकि परिवर्तनशीलता ही सृष्टि का शास्त्र सत्य है। जैसे कल तुम कहीं और थे, आज यहाँ हो सकता है कल तुम यहाँ ना हो। प्रभु, चलो हनुमान, माँ के हाथ के बनाए हुए लड्डू खाते हैं। मेरा भी बहुत मन कर रहा है माँ के हाथ से बनाए हुए लड्डू खाने का। तो चलिए प्रभु, आइए। माँ, हमने वैद्यराज जी को हनुमान दान में तो दे दिया, किंतु मैं माँ हूँ, मेरा मन बार बार रुदन करता है अपने हनुमान के लिए। मैं हनुमान के बिना नहीं रह सकती, न जाने वो कहाँ हो, कैसा हो। उसे एक बार देखने के लिए मन बहुत कर रहा है। धैर्य रखो अंजना, ईश्वर सब देख रहे हैं, वो इतना निरुष्ट नहीं हो सकता। देखना, वो ईश्वर ही हमें हनुमान से मिलाने का मार्ग दिखाएगा। गौरी की ये गैया उत्तर देती सारे, पूछो जो भी प्रश्न मन में हो तुम्हारे। गौरी की गैया, माँ, इनके पास अवश्य मेरी दुविधा का हल होगा। गाय के लिए फल लेकर आओ। गौरी की ये गैया उत्तर देती सारे, पूछो जो भी प्रश्न मन में हो तुम्हारे। सदा पुष्प की भांति खिला रहने वाला मुखड़ा आज मुरझाया हुआ सा क्यों है देवी अंजना? जिस सूर्य को देखकर ये पुष्प खिलता है, वो सूर्य कहीं छुप गया है बहन। मुझे कोई उसकी एक झलक दिखा दे, मेरे हनुमान से मुझे मिला दे। अपने पुत्र से मिलने के लिए मैं कुछ भी करने को प्रस्तुत हूँ। महादेव की कृपा हो तो निराशा के भी सारे मेघ झट जाते हैं, पर आशा का सूर्य चमक उठता है। सच में?
क्या हम अपने हनुमान से मिल सकते हैं? कर्म करेंगे तो फल अवश्य प्राप्त होगा महाराज। चेष्टाएं कभी निष्फल नहीं होती। भोलेनाथ की कृपा प्राप्त कीजिए, वही आपकी सारी बाधाएं दूर करेंगे। मैं अपने पुत्र के लिए कुछ भी कर सकती हूं। तो महारानी आप भोलेनाथ का स्मरण कीजिए, उनसे प्रार्थना कीजिए। भोलेनाथ ने ही तो इंगित किया था ना, इसीलिए उनके भरोसे आपने वैद्यराज को अपने पुत्र को सौंप दिया था। हे देवाधि, मैं अपने पुत्र का दान नहीं कर सकती। आप मेरे पुत्र को स्वस्थ कर दी। हनुमान, किंतु यदि मैं हनुमान को प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करती हूँ तो वैद्यराज जी को दिया हुआ वचन टूट जाएगा। उन्होंने शुल्क के रूप में मांगा था हनुमान का दान, तो क्या हुआ? आप एक माँ हैं और एक माँ को अपने पुत्र से मिलने का अधिकार कोई नहीं छीन सकता। आप पूरी श्रद्धा के साथ भगवान सोमेश्वर को स्मरण कीजिए, उनसे अपने पुत्र से मिलाने के लिए प्रार्थना की, देवी पार्वती को भी अपने मृत पुत्र गणेश की पुनः प्राप्ति भगवान सोमेश्वर की कृपा से ही हुई। धन्यवाद बहन, आपने मेरे हृदय में आशा का दीपक जला दिया। आइए स्वामी, माँ की प्रार्थना सुन लीजिए प्रभु। हाँ देवी, अब समय आ गया एक माँ को उसका पुत्र लौटाने का। हे प्रभु सोमेश्वर, देखिए मेरे सोने आंचल को, आपने अपने ही प्रसाद पुष्प से इसे भरा था, किंतु अब ये रिक्त हो गया। इसे पुनः भर दीजिए प्रभु। एक माँ की गुहार सुनिए। सदैव के लिए नहीं तो एक बार उसे दिखा दीजिए, उसे देख लूंगी तो मेरे व्याकुल हृदय को शांति मिल जाए। माँ की ये करुण पुकार आपको अवश्य ही द्रवित कर देगी सोमेश। नमः शिवाय।
स्वामी अहो भाग्य हमारे जो हम ऐसे शुभ अवसर पर आए जब प्रभु राम का युवराज पद के लिए अभिषेक होना है। अब देखना यह है कि इस प्रसन्नता के अवसर पर हमें देखकर सब प्रसन्न होते हैं या नहीं, क्योंकि हमारे साथ ही हनुमान की विदाई अयोध्या से हो रहा है। चलिए देवी, राजकुमार श्री राम के लिए राज मुकुट लाया जाए। राम भले ही हो जाए तुम्हारा अभिषेक, किंतु मैं चुप नहीं बैठूंगी। पुरोहित, अंतिम संस्कार की प्रक्रिया आरंभ करिए, प्रज्वलित करिए अग्नि को। किंतु लंकेश, आप ये मत कीजिए, आपके बिना। राज पुरोहित, आपको जितना कहा जाए केवल उतना करिए। चिता को अग्नि लगाइए। लंकेश, ये कायरों का पाठ कब से सीख गए हो लंकेश? सारे संसार को अपने चरणों में झुकाने की शक्ति रखने वाला लंकेश आज निर्बलों की तरह आत्मत्याग करने की सोच रहा है। तो आप क्या चाहते हैं गुरुदेव? उस धूर्त नारायण को मैं अपनी मृत्यु का श्रेय दे दूं? सारा संसार उसके गुण गाए। नारायण
राह दस्त गुरु रावण ये कदाई नहीं होने देगा। मेरी मृत्यु से छलिया नारायण का अवतार लेना ही व्यर्थ हो जाएगा। रोहित, लंकेश, अपने दृष्टिकोण को उलट कर देखो। सोचो, रावण के कारण स्मरण किया जाएगा उस नारायण के अवतार। रावण नहीं तो नारायण भी नहीं। यदि उस नारायण के अवतार को परास्त कर दिया तो। किंतु ऐसा हो का रहा है गुरुदेव। शांत लंकेश, इसका भी हल है मेरे पास। हल? रावण, युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए जितना महत्व प्रहार करने का है, उतना ही महत्व बचाव का भी है। यदि युद्ध में शत्रु को नहीं मार पा रहे तो अपने आप को ऐसा बनाओ कि शत्रु भी तुम्हें नहीं मार पाए। किंतु ऐसा हो कैसे सकता है गुरुदेव? अमरता प्राप्त कर। अमरता? स्पष्ट कहिए गुरुदेव, अमरता कैसे प्राप्त हो सकती है? अमृत पान के द्वारा। देवताओं ने समुद्र मंथन के समय छल से अमृत प्राप्त किया था, जबकि तुम राक्षसों का भी उस पर उतना ही अधिकार था। इसलिए छल या बल से किसी भी तरह अमृत प्राप्त करो, किंतु स्मरण रहे, अमृत प्राप्त करना उतना सहज नहीं। सहज कार्य तो वैसे भी रावण को नहीं आता गुरुदेव। आप केवल मार्गदर्शन करिए गुरुदेव के करना क्या है। आज अंतिम बार मुझे अपने हाथों से लड्डू नहीं खिलाओगे? प्रभु, अंतिम बार मुझसे कोई भूल हो गई हो तो मुझे क्षमा कर दीजिए। जय हनुमान, जय श्री राम। महा
ये तो ले जाएंगे हनुमान को। तो सुनो रावण, अमृत मंथन के पश्चात समस्त देवताओं एवं त्रिदेव ने मिलकर अमृत की सुरक्षा का दायित्व चंद्रदेव को सौंप दिया था, क्योंकि चंद्रदेव शीतलता प्रधान देवता है। चंद्रदेव अमृत का रखवाला, वो क्या रखवाली करेगा अमृत की मुझसे? उसे तो स्वयं मैंने बंदी बना लिया था। इतने उतावले मत हो दशानन, पहले पूर्ण सत्य को जान लो। चंद्रलोक में किसी अज्ञात स्थान पर कड़ी सुरक्षा में अमृत को रखा गया है, जो दिव्य विद्युत तरंगों से रक्षित है। और उन विद्युत तरंगों के बाहर दैवीय शक्ति से सज्जित रक्षक उस स्थान की रक्षा कर। गुरुदेव, कोई रक्षक रक्षा नहीं कर पाएगा अमृत की। अमृत अब केवल रावण का होगा, केवल रावण का। रावण, समस्त देवता ही नहीं, त्रिदेव भी अमृत की सुरक्षा के लिए चंद्रदेव की सहायता हेतु आगे आ सकते। राहु की दुर्गति भी इसी कारण हुई थी। यदि अमृत पाना है तो एक कोई बड़ा कारण ढूंढना होगा तुम्हें। साम दाम दंड भेद, जैसे भी हो अमृत प्राप्ति को लक्ष्य बनाना है तुम्हें। आप निश्चिंत रहें गुरुदेव, रावण को ज्ञात है कि उसको क्या करना है। वानर, अब तो तुझे जाना ही होगा यहाँ से। भरत भैया, नैतराज जी आ गए हैं। हनुमान भैया को ले जाएंगे क्या ये? प्रणाम महाराज दशरथ। प्रणाम। और आप सबको भी प्रणाम। प्रणाम। महाराज दशरथ और युवराज राम, आप दोनों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। अयोध्या में आपका स्वागत है वैद्यराज। हनुमान, मेरे सभी पापुत्र, सभी पापुत्र, वैद्यराज जी, आप बड़े ही शुभ अवसर पर आए। आज आपको हमारा आदर आतिथ्य स्वीकार करना ही होगा। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, किंतु हम तो रमता जोगी बहता पानी है, कहीं रुकते नहीं। हम तो केवल यहां हनुमान को लेने आए। हनुमान, अब तुम्हें हमारे साथ चलना होगा पुत्र।
वैद्यराज जी, क्या हनुमान कुछ और दिन तक यहाँ पर नहीं रुक सकता? वैद्यराज जी, कुछ ही दिन तो हुए हैं हनुमान को यहाँ आए। वैद्यराज जी, हनुमान ने हम सबके हृदय में स्थान बना लिया है। कि कुछ दिन और यहाँ रुक जाता तो बहुत अच्छा होता। महारानी जी, हनुमान के लिए हनुमान की माँ मार्ग पर नेत्र टिकाए हुए प्रतीक्षा में व्याकुल हो रही होगी। उनका एक एक पल कैसे कट रहा होगा, उनके विषय में भी तो कुछ सोचिए। हनुमान, आप ही मना कर दो ना जाने से। राम भैया, आप ही कहिए ना हनुमान को कि ना जाए। हाँ राम भैया, आप ही कहिए ना हनुमान भैया को कि ना जाए। हनुमान, मैं तुम्हारी दुविधा समझ रहा हूँ, किंतु मैंने तुमसे कहा था ना कि सृष्टि परिवर्तनशील है, ऋतु परिवर्तन हो रहा है, अर्थात प्रकृति को जाने वाली शीत ऋतु का दुख नहीं है, आने वाली बसंत की प्रसन्नता है, क्योंकि परिवर्तनशीलता ही सृष्टि का शास्त्र सत्य है। जैसे कल तुम कहीं और थे, आज यहाँ हो सकता है कल तुम यहाँ ना हो। किसी एक के लिए तुम अन्य सबके प्रति अपने कर्तव्य से मुख नहीं मोड़ सकते। मैंने कहा था ना कि मैं सत्ता हूँ। आकांक्षा से रहित मित्रता ही भक्ति है हनुमान। मैं जितना अपने परिवार का हूँ, प्रजा का हूँ और संसार का हूँ, उतना ही मैं तुम्हारा भी हूँ हनुमान। तुम क्यों मात्र किसी एक के साथ बंधे रहना चाहते हो? मैं क्या तुम्हें ही नहीं सबको सबके प्रति अपना कर्तव्य निभाना चाहिए? प्रभु, हनुमान आपसे विलग कैसे हो सकता है? हनुमान, तुम मुझसे विलग कहाँ हो रहे हो? मैं तो तुम्हारे साथ ही हूँ, तुम्हारे हृदय में। तुम जब जब मुझे ढूंढोगे तो मुझे अपने हृदय में पाओगे। आप सत्य कह रहे हैं प्रभु? हाँ हनुमान, मेरा वास है तुम्हारे हृदय में। मुझे आपके दर्शन नहीं हुए। एकाग्रचित भाव से ध्यान लगाओ, मन के नेत्रों को खोलो और फिर देखो मैं हूं तुम्हारे हृदय में। प्रभु राम।
श्री राम जय हनुमान। हनुमान, राम भैया के प्रति तुम्हारा असीम प्रेम देखकर मुझे तुमसे ईर्ष्या होने लगी थी। मुझे क्षमा कर दो हनुमान। और ये आभार की भेंट स्वीकार करो। भैया, आप भी प्रभु से असीम प्रेम करते हैं ना, इसीलिए ऐसा हुआ। और ये मेरी ओर से मेरे प्रिय हनुमान भैया के लिए। मेरी ओर से भेंट। मैं भी आपके लिए भेंट लाई हूँ। इतनी प्रेम, इतनी स्नेह भरी भेंट। ये भेंट तो मेरे जीवन में सबसे बड़ा उपहार है। पिता और प्रभु जो देते हैं वो दिखाई नहीं देता, किंतु वो जीवन का सबसे सर्वोत्तम उपहार होता है जो जीवन भर साथ रहता है। मेरे प्रभु भी मेरे साथ ही रहेंगे मेरे हृदय में। जब भक्त को भगवान मिल गए फिर उसे किसी और वस्तु की अभिलाषा नहीं रह जाती। हनुमान तो पूर्णतया ही राममय हो गए हैं। हाथ में राम, मुख में राम, हृदय में राम, रोम रोम में राम। हनुमान, अनुपम भक्ति है तुम्हारी। नारायण नारायण। प्रणाम गुरुदेव।
कल्याण हो। प्रणाम महाराज। पुत्र हनुमान, तुम अद्भुत बालक, तुम्हारा राम के प्रति निस्सीम प्रेम एवं तुमने जो अयोध्या की रक्षा की उसके लिए मैं तुम्हें सदैव स्मरण रखूंगा। प्रणाम माते। चिरंजीव भव। हनुमान चले सुमेरु, तुम्हारी माँ के नेत्र व्याकुलता से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। अवध को छोड़ेंगे क्या हनुमन, दुविधा में आया सब का मन, सभी उदास सभी हैं आतुर, क्या चाहते हैं मारुति चातुर। अल्पकाल यह अवध प्रवास, कुछ दिन रुकते राम के पास, पूरन सकल कामना किसकी, ब्रह्मदेव विधिया हरिहर की। अंजना, रुक जाओ अंजना। क्या अनाहत क्या हो गया महाराज? महारानी के मस्तिष्क को कहीं बावली ना हो जाए। महारानी अंजना, न जाने क्या होने वाला है। उधर केसरी जी एक ज्योति से दूसरे महाज्योति के पास गए हुए हैं ताकि हनुमान की वापसी का उपाय मिल सके, और इधर अंजना विक्षिप्त होती जा रही है पुत्र वियोग में। माँ संतान को जन्म से पूर्व अपनी कुक्षी में पालती है, जन्म देकर दुग्ध पान से उसका भरण पोषण करती है, एक गुरु की भांति उसे संस्कार और शिक्षा देती है। यही कारण है कि मां अपनी संतान से आत्म रूप से भी जुड़ी हुई होती है। संतान के हर सुख दुख का, उसके साथ घटने वाली हर घटना का किसी न किसी रूप में
माँ को भी आभास हो ही जाता है, भले ही वो कितनी भी दूर हो अपनी संतान से। प्रभु, मुझे मेरी माँ के करुण पुकार का आभास हो रहा है, ना जाने वे कैसी होंगी। जी, आपने हनुमान से मेरा मिलन कराकर मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। अब आप शीघ्र ही हनुमान को इनकी माता से मिला दीजिए। अवश्य शिवराज राम, चलो हनुमान। लाओ ये समस्त उपहार इस जोड़ी में डाल दो। उचित मुहूर्त के समय किए गए कार्य कभी भी असफल नहीं होते, तो शोधन करो एक ऐसे उचित मुहूर्त का। कितना भी बड़ा संकट आए किंतु अमृत प्राप्ति में मुझे कोई भी विफलता नहीं मिलनी चाहिए। ज्योतिषाचार्य सांकेतिक भाषा नहीं, प्रत्यक्ष कही है। लंकेश, इन नौ महाज्योतिषियों की गणना बता रही है कि आने वाली महापूर्णिमा अमृत प्राप्ति के लिए सबसे उचित तिथि होगी। लंकापति, ऐसी महापूर्णिमा 108 वर्षों के पश्चात आ रही है। हाँ लंकेश, हर वर्ष की महापूर्णिमा की भांति ही इस वर्ष भी संसार में अमृत वर्षा करने के लिए अमृत कलश में उबाल आएगा, किंतु इस बार ये उबाल
अधिक तीव्र होगा, जिससे चंद्रलोक भी असंतुलित हो सकता है। और एक विशेष बात, चंद्रमा पर शनि के भारी पड़ने की संभावना है। लंकेश, ग्रहों की चाल दर्शा रही है कि चंद्रदेव का अभिमान शनि देव के साथ उसके संघर्ष का योग बनाएगी। लंकेश, घर परिवार का संघर्ष से हमेशा ही बाहर वालों को लाभ मिलता है। अब देखना यह है कि इन ग्रहों के विवाद से तुम कितना लाभ उठा सकते हो। ग्रह मंडल के आपसी विवाद का लाभ हम उठाएंगे। आपसी विवाद का लाभ हम उठाएंगे। रावण हम। मां पूर्णिमा के दिन अमृत हमें प्राप्त होगा। और हाँ, इस बार तो चंद्रदेव को बचाने वो वानर बालक भी नहीं होगा वहां। मन की लगन है, जैसे भक्त को कण कण में भगवान दिखाई देते हैं, ऐसे तुम्हें हर और तुम्हारा पुत्र दिखाई दे रहा है, क्योंकि तुम्हारी लगन हनुमान से लगी हुई है। तुम चिंता मत करो, देखना हमारा हनुमान जहां भी होगा सकुशल होगा। हनुमान, क्या तुम्हें ज्ञात है जब हम अपने प्रियजनों से मिलने जाते हैं और अपने परिजनों के पास लौटता है तो उनके लिए कोई ना कोई भेंट लेकर जाता है। भेंट? हाँ भेंट। तुम इतने दिनों पश्चात अपनी माँ से मिलने जा रहे हो, उनके लिए कोई भेंट दी है या नहीं? अभी भी तो बताओ, क्या लिया अपनी माँ के लिए? है कुछ जो प्रभु श्री राम ने स्वयं दिया है, और मुझे माँ के लिए और कुछ भी ले जाना है। मैं अभी आया, माँ के लिए बहुत ही विशेष है, शीघ्र ही आ जाऊंगा।
राम भक्त महाबली हनुमान को जानना हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।